आज है सैटरडे और डेट मुझे फिर भूल गई है, लेट मी सी, आज है 30th October। वहाँ पे फोटोशूट चल रहा है हमारा फ्रेंड्स का आपस में, और मुझे समझ नहीं आ रही कि वहाँ पर इतना काला पानी क्यों है, क्योंकि इस तरफ तो पानी काला नहीं है। शुक्र है कि हांगकांग में कुछ मौसम जो है वो थोड़ा ठीक होना शुरू हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी नहीं है अब, ह्यूमिडिटी भी इतनी नहीं है। तो लास्ट वीक जो हम लोग गए थे डिस्कवरी बे में, और उसका व्लॉग मैं अभी एडिट कर रही हूँ, तो कोशिश मैं कर रही हूँ कि कल तक यानी संडे तक वो चला जाए, अपलोड हो जाए। तो अगर वो अपलोड हो गया है तो उसमें आप लोग देखिएगा, उसमें बहुत अच्छा मौसम है वहाँ का इतना अच्छा मौसम है कि बाकायदा सर्दी वाला मौसम हुआ हुआ था, और बहुत टाइम के बाद हांगकांग में वो मौसम आया था। तो हम लोग यही हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पे भी उतना ही थोड़ा सर्दी वाला होगा, लेकिन सर्दी नहीं है, लेकिन थोड़ा खुशगवार मौसम है। और वो देखिए, वो है सिल्वर माइन बीच रिजॉर्ट। यहाँ आने के लिए ऑलमोस्ट 2 घंटे लगते हैं, अगर सेंट्रल से आ रहे हैं तो ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स लगते हैं टंगचंग स्टेशन तक, और उसके बाद वहाँ से एक बस लेते हैं 3M, और उस बस पे यहाँ तक आते हैं। ऑलमोस्ट उस बस पे भी कोई 50-55 मिनट्स लग जाते हैं, तो काफ़ी टाइम लगता है, बट आई थिंक इट्स ऑल वर्थ इट। तो अभी तो हम आए हैं यहाँ पे, तो अभी एक्सप्लोर करेंगे जगह, क्योंकि आने से पहले हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे हलाल रेस्टोरेंट्स भी हैं, और यहाँ पे कुछ वाटरफॉल भी है और काफ़ी अच्छी जगह है। तो चलो, ग्रीन रोड, अभी हम खाना ढूंढने के लिए जा रहे हैं, और यहाँ पे हमने देखा था कि 2 हलाल रेस्टोरेंट्स हैं, तो दोनों को देखते हैं कि उसमें से कौन से में हमने खाना है। कभी कभी हमें चॉइसेस मिलती हैं, तो क्यों ना फिर उन्हीं में से भी अच्छा सा सिलेक्ट। मार्केट, हम तो आज बस से आए हैं, लेकिन अगर फेरी से आए तो वो सामने फेरी पियर है, वहाँ से आते हैं इस तरफ। और वो देखिए, उन्हें खाना खिला रहे हैं वो लोग, द रेजिडेंट एनिमल्स। और ये साइकिल तो ज़रूर ट्राई करें, ये भी हमने यहाँ पे ट्राई नहीं किया, टाइपो में ट्राई किया था, टाइपो विलेज में, तो बहुत मज़ा आया था हमें वहाँ पे। तो ये है एक फूड प्लेस बाब कॉर्नर, और एक थोड़ा सा उस तरफ जाके अभी देखते हैं। अच्छा जी, एक का मेन्यू हमने देख लिया, और दूसरे का हम देखने जा रहे हैं। मिल गया दूसरा भी, ये बिल्कुल उसी लेन में है। ओके, तो हमने दूसरा रेस्टोरेंट देख लिया है, और वो भी अच्छा रेस्टोरेंट है, उसमें जगह ज़्यादा है बैठने के लिए, इंडोर भी जगह है, यहाँ पे सिर्फ आउटडोर है, ये थोड़ा छोटा रेस्टोरेंट है, लेकिन यहाँ की प्राइसेस ज़्यादा रीज़नेबल लग रही है हमें, तो उससे फिर हम यहाँ पर आए हैं। So we ordered curry noodles and fish and chips. खाना आ गया, और बहुत मज़े का लग रहा है। ओके जी, खाना हमने खा लिया, और खाना बहुत मज़े का था, और फर्स्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे होते हुए, मतलब हांगकांग में होते हुए सूप, नूडल सूप ट्राई किया है, क्योंकि उसकी थोड़ी देसी वाइब थी। तो जब भी आप लोग यहाँ पर आएँ तो फिश एंड चिप्स और नूडल सूप तो हम लोगों ने खुद ट्राई किया, चिकन नूडल सूप, तो वो ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि बहुत अच्छा था। आप लोग फ़ोटोज़ और वीडियो में देख सकते हैं कि वो कितना टेम्पटिंग है, और उसी की वजह से हम लोग जो दूसरे रेस्टोरेंट से थे वापस आए वहाँ पर कि हमें वो खाना है। तो अब हम देखने जा रहे हैं वाटरफॉल्स, यहाँ से ऑलमोस्ट 1.8 किलोमीटर बनता है, तो हम कोशिश करें कि टैक्सी मिल जाए, क्योंकि इस वक्त लग रहा है कि बहुत रास्ता है चलने के लिए। ऊबर तो नहीं मिल रही, ऊबर ने हमें सजेस्ट किया है कि पैदल जाए, तो हमने उसको बंद कर दिया, और हम अब हम टैक्सी ढूंढ रहे हैं।
टैक्सी नहीं मिली और अब हम पैदल जा रहे हैं। और प्रिया ने साइकिल पे बैठने से मना कर दिया तो इसलिए अभी हम पैदल जा रहे हैं। और सिल्वर माइन के 40 मिनट्स लिखा हुआ है, चलना तो है 20 है या 40 है। ग्रीन रोड मीटर रह गए। चेक आउट दैट स्केयरक्रो, एक्चुअल मैनीक्विन लगा हुआ है वहां पे फूल। ओके भाई, हमने तो ये गलती की है, तुम लोग जा करना जब आना सब लोग यहाँ पे, सबसे पहले आकर लैंड करना आइलैंड पे और उसके बाद सीधा वाटरफॉल्स पे जाके फिर वापस आना। नहीं नहीं ये बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं ये जो दिल करे मत करना। बिल्कुल बिल्कुल आई एग्री विद प्रिया, मेरी सुनो, आई एग्री विद प्रिया एग्रीइंग विद मी। तो पहले यहाँ पे जाएं और फिर वापस आए। तो क्योंकि अगर टाइम से वहां से आ जाएंगे तो ये नहीं होगा कि आप इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं फिर इधर जा रहे हैं, और हम यही कर रहे हैं इस टाइम। ओके, इस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर स्लाइड स्लोप स्टार्ट होती है, उससे पहले सारा बराबर रोड ही है। अच्छा, इस तरफ से आप पानी की आवाज आ रही है थोड़ी, कुछ बहुत खाया है हमने धोखा, पर ये तो गूगल मैप भी यही कह रहा है कि इतनी दूरी है, तो ऑलमोस्ट 300 मीटर्स रह गया। वो सामने है, वो सामने थोड़ी सीढ़ियां भी आ गई हैं। अब 2 मिनट रह गए पर आउट ऑफ प्रैक्टिस होने से ये एविडेंस है इस चीज का कि इतने से सीढ़ियों से बस हो गई है। देखें अब हम करीब आ गए। बारबेक्यू पिट्स हैं लेकिन बंद है कोविड की वजह से। यहाँ पे जल्दी आना चाहिए ताकि ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकें। उस पार से काफ़ी स्केरी लग रहा था लेकिन हम आ गए हैं किसी तरह ऊपर। ओके, अब हम नीचे आ गए हैं, उधर ऊपर जहाँ पे वो लोग बैठे हैं वहाँ पे हम लोग बैठे थे तो उधर से तो ठीक था, लेकिन यहाँ से आगे जो पत्थर हैं वो बहुत ही स्केरी हो गए। तो कुछ लोग यहाँ पे थे वो भी गए हैं यहाँ से, उन्होंने हमें हमारी हेल्प की है उन दो पत्थरों को क्रॉस करने के लिए। तो फाइनली हम नीचे आ गए हैं अब। तो अब हो गया ऑलमोस्ट मगरिब का टाइम, तो मेरा ख्याल है कि यही सूटेबल जगह है, यहाँ पे ये स्पॉट है, यहाँ पे नमाज पढ़ सकते हैं। हालोवीन पार्टीज, बहुत सारे स्क्विड गेम के कॉस्ट्यूम्स भी हैं अंदर। स्क्विड गेम यही सब सब कुछ यही जो है सायरा के दिमाग में आ रहा होता है ये सारे। रिलैक्स फील कर रही हूं, थक गई हूं। अच्छा, थैंक यू। खुल गई है बस।